दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर अपने पर्सनली 5 पॉइंट करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। दोस्तों आज अपन टेक पर्सनली स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्सनली 5 पॉइंट की, और इस पर्सनली के अंदर अपने को समांतर श्रेणियों के पदों का योग याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पर्सनली 5.3 के क्वेश्चन में फर्स्ट निम्न का योग याद कीजिए। सबसे पहले दे रखिए अपने को एक समांतर श्रेणी, दे रखिए 2, 7, 12, 17, इसके 10 पदों तक क्या करना है, योग याद करना है। अब कैसे याद करेंगे, चलिए एक नया फॉर्मूला सीखते हैं। जैसे अपने पास में कोई समांतर श्रेणी है 3, 5 और 7, इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं, 3 पद, तो इनका योग याद करेंगे तो क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 7 और 5 12 और 3 कितना जाएगा, 15। ठीक, इसी प्रकार 2, 2, 4, 6, 8। अब ये इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी है जिसके 4 पद है, ठीक है। अब जिनके योग याद करना है तो क्या करेंगे, अपन इनको जोड़ देंगे, तो 2 और 4 कितना देगा, 6, 6, 12, 12 और 8, 20, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो 3, 7, 11, 15, 19, ये कोई एक समांतर श्रेणी है, अब इसका भी अपने को यदि योग याद करना है तो इन सबको क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे, तो ये भी 10, 3 और 7, 10, 11 और 19 कितना जाएगा, 30, 30 और 10, 40, 40 और 15 कितना जाएगा, 55, कितना आया योग, 55। अब यहाँ से अपन एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखो यहाँ पर इसके अंदर कितने पद हैं, 3 पद, 3 पद, ठीक है। अब देखो इसका प्रथम पद क्या है, 3, ठीक है, प्रथम पद है 3, यदि मैं इसको इसको प्रथम पद और अंतिम पद कितना है, यदि मैं इस प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ दूं, क्या कर दूं, जोड़ दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 को अगर यदि अपन 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 30। अब यदि मैं 30 को क्या करूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, जो कि समांतर श्रेणी का क्या आ गया, 0। और इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो आप इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस समांतर श्रेणी का भी प्रथम पद क्या है दोस्तों, 2 है। अंतिम पद क्या है, इनको मैंने क्या जोड़ दिया। अब क्या करना है, इस समांतर श्रेणी के अंदर कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 4 पद है, 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 और 4, 40 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ कितना आ रहा है, 20। इधर देखो समांतर श्रेणी का योग भी कितना आ रहा है, 20। इसी प्रकार इसमें देखो अगर आप तो प्रथम पद क्या है, 3 है, अंतिम पद क्या है, 19, प्रथम पद प्लस अंतिम पद कितने हैं, 19, जोड़ दिया इनको, अब मल्टीप्लाई करना है इसको, कितने पद है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ठीक है, तो 3 और 19 कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 22, 22 पंजे 5, 10 की 0, 5, 10, 1, 0। अब यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ कितना आ रहा है, 55, क्योंकि समांतर श्रेणी का ये। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर तो यहाँ पर कोई चीज दिखाई दे रही है क्या, तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं अगर अपन, तो ये तो है प्रथम पद, इसको तो छोड़ देते हैं अपन, ये क्या है, 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर, जिनको अगर आप ध्यान से देखो तो जो समांतर श्रेणी का अपन ने योग याद किया उन सबके ये क्या है, अंतिम, अंतिम पद को किससे लिखते हैं अपन, अभी लास्ट प्रश्न के अंदर पढ़ा था एन बराबर क्या होता है, a1 + n - यही फॉर्मूला होता है ना, a n = a1 + n - 1। अब यहाँ से यदि अपन एक फॉर्मूला निकालेगा तो ये तो क्या है प्रथम पद, इसको मैं कहता हूँ a1, इसको कह दूँ मैं क्या, an, क्योंकि अपन ने अंतिम पद लिया है तो n का पद है वो, तो n में पद कहता हूँ, तो यदि मैं ये रखूँ क्या रखूँ, ये रखूँ और इसके स्थान पर ये रखें, a1 + a1 + n - 1, ये तो चीज आपके समझ आ गई, चल इनको तो ऐड करते हैं, और मल्टीप्लाई किससे किया था अपन ने, यहाँ पर 3 से किया, यहाँ पर 4 से किया, और यहाँ पर ऐसा क्यों, क्योंकि प्रथम समांतर श्रेणी में कितने पद है, 3 पद है, दूसरी समांतर श्रेणी में कितने पद है, 4 पद है, तो
तीसरी में कितने हैं, पांच करें तो पांच से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर जो अपने समांतर श्रेणी लिए है उसका प्रथम पद ए वन है और अंतिम पद ए वन प्लस एन माइनस वन बी है। इसमें कितने पद हैं दोस्तों, इसमें क्या पद है, एन पद। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अपन एन से करेंगे। अब इसके बाद में अपन ने क्या किया था लास्ट के अंदर, दो से डिवाइड किया था, यहाँ पर रखिए दो से डिवाइड। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या बना अपने पास में, एन बटे में दो मल्टीप्लाई बाई ए वन और ए वन कितना हो जाएगा, टू ए वन प्लस एन माइन फोर। इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा ये पर क्या है, एन बटा दो टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। यदि समांतर श्रेणी के अंदर एन पद है तो उन पदों का योग कितना हो जाएगा, एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरे दोस्तों प्लस क्या करते हैं, एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस एन बराबर कितना मिला अपने को, एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। चलिए अब ये चीज तो अपन ने देख ली। अब इस फॉर्मूले से अपन पर्सनली कॉन्स्टेंट चेंज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब इसका सॉल्व करते हैं अपन। अपन ने फॉर्मूला क्या निकाला था, एस एन बराबर एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन। अब आपने पता है कि यहाँ पर ए वन क्या है, ये तो है प्रथम पद, ये डी क्या है दोस्तों सार्वंतर, एन आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं दो। अब इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है, ए वन बराबर जहाँ से समांतर श्रेणी स्टार्ट हो रही है कहाँ से हो रही है, दो से। इसके साथ में इसमें दे रखा है एन, मतलब कितने पदों तक ज्ञात करना है अपने को, दस पदों तक। अब इसका सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर डी कैसे निकलेगा, ए टू माइनस ए वन। दूसरा पद क्या है, बारह। प्रथम पद क्या है, बारह का सॉरी, दूसरा पद क्या है दोस्तों यहाँ पर सात है, सात माइनस क्या करना है, प्रथम पद क्या है दो, सात माइनस दो कितना हो जाएगा, पाँच। अपने सार्वंतर निकाल लिया, प्रथम पद ज्ञात है अपने को, एन बराबर कितने देर का है दस। तो फॉर्मूले में मानते हैं तो एस दस, तो एस दस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अपने को एस एन एन पदों का योग ये है, तो दस पदों का योग एस दस इक्वल टू एन बाई टू, एन का मान दस, दस बटे में दो मल्टीप्लाई बाई दो गुणा ए वन, ए वन कितना है दो प्लस एन माइनस वन, एन के स्थान पर दस माइनस वन बी के स्थान पर, जैसा जैसा अपने को मान दे रखा है वैसे वैसे करते हैं। अब अपने को सिर्फ कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन कर लेंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग, यहाँ से दो से काटेंगे इस दस से कितनी बार कटेगा, पाँच बार, तो एस दस बराबर पाँच प्लस दस, दो गुणा दो कितना हो जाएगा चार, प्लस दस में से एक गया तो नौ, नौ गुणा पाँच नौ पंजे पैंतालीस, पैंतालीस और नौ उनचास, पाँच गुणा उनचास मल्टीप्लाई करते हैं उसको, पाँच नौ पैंतालीस का पाँच, आठ का चार, पाँच सौ का बीस और चार चौबीस कितना आया दो सौ पैंतालीस। एस दस बराबर जो अपने पास में एक समांतर श्रेणी दे रही है दो सात बारह सत्रह, इसकी दस पदों का योग कितना आ रहा है दोस्तों, दो सौ पैंतालीस। आशा है ये चीज आपकी समझ आ रही होगी, यदि समझ आ रही है तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपने को एक और समांतर श्रेणी दे रही है माइनस तैतीस माइनस तैतीस माइनस उनतीस से बारह पदों तक अपने को योग जाता है। तो एस एन बराबर क्या है, एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन। अब मेरे को फॉर्मूले में जो जो पद दे रखे हैं वो निकालना है, तो पहले अपने को प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद क्या है ए वन, ए वन क्या है यहाँ पर इसके अंदर ज्यादा से मान से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से हो रही है माइनस तैतीस माइनस चौंतीस। अपने को चाहिए सार्वंतर, सार्वंतर डी कैसे निकलेगा, ए टू माइनस ए वन, तो दूसरा पद क्या है माइनस का थर्टीस, इसमें से क्या माइनस करना है अपने को, माइनस करना है प्रथम पद, माइनस कितना है माइनस तैतीस। अभी अगर देखो कोष्ठक के बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का तैतीस प्लस तैतीस, तैतीस में से तैतीस जाएगा तो कितना बचेगा चार। आइए की चीज आपको समझा, एन पर एन का मान क्या दे रखा है अपने को, बारह पद दे रखा है, तो एन बराबर ए प्रथम पद ज्ञात है, एन का मान ज्ञात है, सार्वंतर ज्ञात है, मान रखते हैं फॉर्मूले में और योग ज्ञात करते हैं, तो अपने को ज्ञात करना है एस बारह, बारह पदों का योग करना तो एन के समय बारह पदों में दो दो गुणा ए वन, ए वन के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस का थर्टी सेवन प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन गेन गए एन के स्थान पर बारह माइनस वन बी के स्थान पर चलो बच्चे चल रखते हैं, दो से बारह को काटेंगे कितनी बार कटेगा छः बार कटेगा, तो एस बारह बराबर छः गुणा छ
33 गुना कितना जाएगा 7 दिन 14 का 4 हासिल हुए 3 दिन का और 1 माइनस का 74 प्लस 12 माइनस 1 कितना जाएगा 11 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 क्या आ गया 44 कर दो 12 तो ऐसा कैसा रहेगा मल्टीप्लाई बाई 74 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर माइनस का 30 अब ये माइनस से क्यों बचा कि यदि मैं 74 में से 44 को घटाता हूँ तो बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है तो माइनस की संख्या है तो माइनस की संख्या का ही निशान आएगा तो माइनस का 30 आ गया फिर उसको मल्टीप्लाई करना है जैसे 18 होता है तो माइनस का 100 आ गया माइनस का 180 तो जो प्रथम 12 पद है उनका योग जा रहा है माइनस का 100 आई और की ये चीज आपके समझ आ रही होगी चलिए और अगर सॉल्व करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अपने पास में एक और समांतर श्रेणी है 0.6 1.7 2.8 इससे सौ बता दो योग याद करना है एस साइन बराबर है एन बटा दो दो ए वन प्लस एन माइनस वन बी ठीक है यहाँ पर समांतर श्रेणी में एन बराबर क्या है एन बराबर है अपने को क्या याद करना है सौ बता दो कर दिया A1, A1 क्या है जांच समांतर श्रेणी सात अधिकांश हो रहे 0.6 अब सार्वंतर कहाँ से निकलेगा D बराबर A2 माइनस A1 A2 कितना है 1.7 माइनस करना है अपने को 0.2 कितना आ रहा है 1. सार्वंतर आ गया अपने पास में 1.1 N का मान दे रखा है इसको और प्रथम पद है 0.6 मान रखते हैं फॉर्मूले में और गैस अपने को क्या करना है 100 गैस करना है एन के स्थान पर इसको बैठे में दो दो गुणा A1 के स्थान पर 0.6 प्लस एन माइनस एन के 100 माइनस एन बी के स्थान पर क्या रखेंगे 1. ये कितनी बार कटेगा 50 मल्टीप्लाई तो दूनी 12 तो 1.2 प्लस 100 में से एक गया तो 99 को 11 99 मल्टीप्लाई बाई 1.5 तो यहाँ पर 99 का 9 असल का 9 99 और 9 108 ये कितना आ गया 108.9 प्लस 1.2 इसको मल्टीप्लाई करना है कितने इधर करते हैं अभी 50 ये कितना हो जाएगा 9 तो 11 को 1 हासिल का 1 8 और 1 9 और 1 32 जीरो हासिल को 1 1 1 जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा दोस्तों अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या रह जाए 5 5 0 कितना आ गया 5508 तो मतलब कि जो अपने पास समांतर श्रेणी दे रखी है इसके 100 पदों का योग कितना है 205 दोस्तों ये चीज आपके समझ आ गई होगी अब इस प्रश्नावली के प्रश्न एक के अंदर इसका चौथा क्वेश्चन भी है तो वो आपको सॉल्व करना है नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले गुड बाय जय हिंद जय भारत जय सियाराम